आज हम चोर पुलिस का खेल खेलेंगे और ये चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते हम मॉडलस को सीख जाएंगे कि मॉडलस के टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, जो मॉडलस है इस मॉडलस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये जो दो डंडे हैं ये क्या होता है, इसको हम मॉडलस बोलते हैं और इसके अंदर कौन होता है, एक्स होता है। और ये मॉडलस को हमने जनरली सीखा है कि मॉडलस होता क्या है, अंदर जो भी निगेटिव वैल्यू आती है उसको ये क्या कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो अब लेकिन हम इसको हायर लेवल पर जेई के लिए कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो सीखते हैं। वो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होता है पर हम बहुत आसानी से सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ अजम्पशन किया, एक खेल बनाया चोर पुलिस का। देखिए ये जो दो डंडे हैं ये क्या है, जेल। इस तरह से यदि मैं इसके बीच में ये ड्रॉ कर देता हूँ तो ये किस तरह से लगेगा हमें, जेल की तरह। और ये जो एक्स है ये क्या है, चोर है, थीफ है। तो ये चोर क्या करता है, चोरी करेगा, और चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो पुलिस स्टेशन जाएगा और वहाँ पर जेल के अंदर बंद हो जाएगा। तो जब भी ये हमारा जो चोर है जेल के अंदर बंद है और जेल के अंदर से हमें इसको बाहर निकालना होता है, तो अब हम किस तरह से इसका आंसर देते हैं, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्यूशन भी करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है मॉडुलस का। इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स मतलब कि जो एक्स है वो ओरिजिन से कितना दूर है। हमारे केस में ओरिजिन को हमने क्या बोल रखा है, पुलिस स्टेशन। तो अब ये जो पूरी कहानी है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं 3 क्वेश्चंस लूँगा और 3 क्वेश्चंस में सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। ज़रा ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल। इस फर्स्ट क्वेश्चन में यदि हमें ऐसा बोला है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, तो हमें इसका आंसर पता है ना, सभी को इसका आंसर पता है क्या होता है, प्लस माइनस 4। बट ये समझने की ज़रूरत है प्लस माइनस 4 ही क्यों होता है। ये प्लस माइनस 4 क्यों होता है, क्योंकि एक्स का डिस्टेंस पुलिस स्टेशन से, एक्स कहाँ पर है, जेल में बंद है, तो जब ये जेल से बाहर निकलेगा तो इसको एक एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा, या फिर ऐसा बोले पुलिस वाले इसको वार्निंग देंगे, जैसे बोला जाता है ना शहर से बाहर नहीं जाना, ऐसे इसको बोला गया है कि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, 4, या फिर बोले पुलिस स्टेशन से डिस्टेंस कितनी है, 4, तो इसको 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाना। तो पुलिस स्टेशन यहाँ है, 4 यहाँ पर है, तो वो या तो यहाँ रह सकता है या फिर यहाँ रह सकता है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों तरफ मेजर होती है, नेगेटिव नहीं होती ना। तो पुलिस स्टेशन से या तो वो तो उस जगह रहेगा या फिर इस जगह रहेगा, इसलिए हम उसको प्लस माइनस 4 आंसर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 4, ये क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछा है बताओ एक्स क्या होगा, या फिर बोले एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, एक्स की रेंज बताओ। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। हमें बोला है मॉड एक्स कहाँ है, लेस देन 4, जेल से बाहर निकलने वाला है, जेल से बाहर निकलेगा तो वार्निंग मिलेगी, वार्निंग क्या मिलेगी कि पुलिस स्टेशन से कितना दूर रहना है, हमेशा 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर रहना है। तो 4 यहाँ पर है, 4 पर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो इसलिए इस पर इस तरह का हम होलो सर्कल लगा देंगे, 4 पर नहीं रहेगा, बट यहाँ रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ घूम सकता है, क्योंकि इसके बीच में जितनी भी डिस्टेंस है ये पूरी डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट पर देखो डिस्टेंस हमेशा 4 से कम होगी। यदि वो यहाँ हुआ तो 3 है, 2.5, 2, 1.5, 1, इसी तरह से यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, एक्स बिलोंग्स टू -4 से +4 ओपन इंटरवल, क्योंकि -4 और +4 इंक्लूड नहीं होंगे, यदि यह इक्वल का साइन होता तो यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल आ जाता। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4, ये हमसे बोला गया कि अभी बोला है कि 4 किलोमीटर से दूर ही रहना है पुलिस स्टेशन के, जो 4 किलोमीटर की रेडियस है उससे हमेशा कहाँ रहना है, दूर रहना है। इसका मतलब वो कहाँ पर रहेगा, इधर या फिर इधर, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में था एक्स बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू
माइनस फोर के इधर इधर कौन होता है, माइनस इन्फाइनाइट होता है, प्लस के उधर इधर कौन होता है, प्लस इन्फाइनाइट होता है। तो हमारा आंसर आएगा माइनस इन्फाइनाइट से माइनस फोर यूनियन फोर टू इन्फाइनाइट। इस तरह से हमारे सिंपल वे में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।